राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोमवार को मुंबई पुलिस से शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। आयोग ने कहा है कि उसे एक शिकायत मिली है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आदित्य ठाकरे ने आर्य जंगल को बचाने के लिए अपनी पार्टी के अभियान में कथित तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया है। शीर्ष बाल अधिकार निकाय NCPCR ने मुंबई पुलिस को जारी एक नोटिस में कहा कि उसे एक शिकायत मिली है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुंबई जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने आर्य बचाव प्रदर्शन और राजनीतिक अभियान के लिए शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना के नाबालिगों का इस्तेमाल किया है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर लिंक भी साझा किया जिसमें बच्चों को विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में हाथों में तख्तियां पकड़े हुए देखा जा सकता है। NCPCR ने कहा है कि उपरोक्त को देखते हुए आयोग आपसे अनुरोध करता है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तत्काल जांच की जाए। बता दें मुंबई के गोरेगांव के आर्य कॉलोनी में मेट्रो शेड के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाएंगे। उन पेड़ों को काटे जाने का विरोध शिवसेना कर रही थी। उस विरोध में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में कई नाबालिग बच्चों को तख्ती देकर प्रदर्शन में शामिल किया गया था। इसी का अब NCPCR ने संज्ञान लिया है। वहीं आदित्य ठाकरे द्वारा कार शेड को लेकर झूठ बोलने का मामला भी सामने आया है। कल प्रदर्शन के दौरान आर्य विरोध स्थल पर मीडिया से बात करते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, यह मुंबई की लड़ाई है, जिंदगी की लड़ाई है। हमने जंगल के लिए, अपने आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। जब हम यहाँ थे तो कोई पेड़ नहीं काटा गया। हर रात नहीं, हर 3 से 4 महीने में एक बार कार शेड में मेंटेनेंस के लिए जाती हैं ट्रेनें। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे सरकार में थे। उन्हें पूरी परियोजना के बारे में पता होना चाहिए था। फिर भी आदित्य ठाकरे ने कहा, मेट्रो ट्रेनों को 2 से 3 महीने में एक बार कार शेड में भेजा जाना है। इसी सवाल के जवाब में मेट्रोमैन ई श्रीधरन को फोन किया गया तो कुछ और सच्चाई सामने आई। इस सवाल के जवाब में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने कहा, यदि मेट्रो रेल का नेटवर्क बड़ा है तो उसे नियमित रूप से कार शेड में मेंटेनेंस के लिए ले जाने की आवश्यकता होती है। यदि छोटा है तो 2 दिन में एक बार। यह विजिट सुरक्षा प्रमाणन के लिए है जिससे गुजरने के बाद ये ट्रेनें चल सकती हैं। श्रीधरन के अनुसार ये बयान मेट्रो रेल को कार शेड में 2 से 3 महीने में एक बार जाने की जरूरत है सरासर गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।